हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी बॉडी के कई हिस्सों पर रैशेस पड़ना शुरू हो जाता है और कई बार ये रैशेस हमारी थाइस यानी कि जांघों के भीतरी हिस्से में हो जाते हैं, जिसकी वजह से चलने में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ इसके लक्षण और कुछ उपायों के बारे में। दोस्तों, अगर हमारे जांघों के भीतरी हिस्से में बहुत ज्यादा रैशेस होते हैं तो उसके कई लक्षण होते हैं, जैसे कि उस हिस्से में बहुत ज्यादा खुजली होना, बहुत ज्यादा रैशेस पड़ जाना, बहुत ज्यादा दर्द होना या फिर उस जगह की स्किन का बुरी तरीके से छिल जाना। ये सारी चीजें जांघों के भीतरी हिस्से पर रैशेस पड़ने की निशानी होती है और जब भी ये किसी को भी परेशान करता है तो उसे चलने में सबसे पहले बहुत दिक्कत आती है। इसीलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ आसान से नुस्खे। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे आसान सा नुस्खा है, नारियल के तेल से अपनी जांघों के भीतरी हिस्से में मसाज करिए रात को सोते समय। ऐसा करने से आपको काफी आराम मिलेगा और आपके रैशेस भी काफी हद तक ठीक हो जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर आप नारियल के तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हैं, तो आप बादाम के तेल का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। ये रैशेस को ठीक करने के लिए काफी सही तरीके से काम करता है। और आप अगर चाहते हैं कि आपके रैशेस जल्दी ठीक हो जाए तो ऐसे कपड़े पहने जो आपकी जांघों पर बिल्कुल भी रगड़ ना दे, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा रगड़ या फिर बहुत ज्यादा शार्प कपड़े आप पहनेंगे तो उसकी वजह से आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। रात को सोते समय अगर आप ऐसा करते हैं तो कोशिश करिए कि आप अंडरगार्मेंट्स नीचे की तरफ ना पहने। ऐसा करने से भी आपके रैशेस काफी जल्दी ठीक हो जाते हैं। सुबह के समय आप चाहें तो अपने रैशेस पर एलोवेरा जेल लगा सकते हैं या फिर बर्फ के टुकड़े से भी सिकाई कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको काफी आराम मिलेगा। सो दोस्तों, ये है आसान से घरेलू नुस्खे जांघों के भीतरी हिस्से पर पड़ने वाले रैशेस को दूर करने के लिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।